बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दरियादिली है। उसे लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन 3री बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा ये सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी 3री बेटी की कही बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी 3री बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया। इस वजह से राजा की 3री बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी की 2 बेटियां राजसी जीवन जीते रहे। राजा मन ही मन सोचता है कि यह मेरा ही हुक्म है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की 3री बेटी ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया है, वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी 3री बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमजोर होती बेटी की हालत और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसने अपनी 3री बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं ना जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम अब मेरे राज्य के पास के ही एक जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहाँ मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगे। इसके बाद 3री बेटी को उस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहाँ वह फल और सब्जियाँ खाने और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहाँ की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते वो जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहाँ पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर की तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वहाँ पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुँचा। उसे देखते ही देखते राजा की 3री बेटी से प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की 3री बेटी और वो राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली, वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया। जब उसने वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक को देखा, तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव व फैसले के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहाँ बैठा तो उसे एक आवाज सुनाई देने लगी जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बना सकता। इसके बाद राजा को स्वयं ही अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आजाद कर दिया। उसने अपनी 3 बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद ही परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य या राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य
स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, जिसे हम अपनी सूझबूझ से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा बना सकते हैं।